हेलो बच्चों, कैसे हैं? देखिए, आप लोगों का आप में से ही किसी बच्चे ने एक कमेंट बॉक्स में जाके पूछा है कि ह्यूमन ब्रेन के बारे में बता दीजिए, और ब्रेन के हर एक पार्ट्स के बारे में उसका फंक्शन क्या है वो क्लियर होना चाहिए। उनमें कुछ प्रॉब्लम उन्होंने लिखा है। चलिए, आज हम लोग इस वीडियो में केवल आज बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ब्रेन, जैसे कि आप जानते हो, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन चैप्टर में हम लोग ब्रेन और कोऑर्डिनेशन के सारे हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं। एनिमल नर्वस सिस्टम मेन पार्ट्स हुआ, तो मैं कोशिश करता हूं कि फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग आपको समझाऊं, और आप इसको ध्यान से देखिए, फिर एक एक पार्ट्स का नाम लिखकर मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहला ह्यूमन ब्रेन की बात अगर करें तो नर्वस सिस्टम हमारा काम करता है। एनिमल नर्वस सिस्टम को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। नर्वस सिस्टम जो हुआ, एक तो नर्व सेल हो गया, न्यूरॉन से, तो वो सब हम बाद में बात कर लेंगे। अभी हम लोग ब्रेन को, जो हमारा सिस्टम है नर्वस सिस्टम, उसमें से ही पार्ट ब्रेन है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या? एनिमल नर्वस सिस्टम। एनिमल्स नर्वस सिस्टम यानी कि नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। सीधे पॉइंट पे आते हैं, नर्वस सिस्टम इसको हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू, अच्छा, EUOS, ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट थ्री पार्ट्स, CNS, PNS एंड ANS। CNS दैट मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS दैट मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एंड ANS दैट मीन्स ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो पहले हम लोग CNS की बात करें, इस सब को बाद में चर्चा करते हैं। ब्रेन हमारा CNS में होता है। CNS को हम दो भागों में बांटते हैं। फर्स्ट होता है ब्रेन, और दूसरा, CNS को दो पार्ट हुआ, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। क्या? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड आपको याद होगा, जो रिफ्लेक्स एक्शन अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पता होगा, वही एक्टिव होता है। पीएनएस के भी दो पार्ट्स होता, पीएनएस भी दो भागों में बंटता है। एक होता है कार्नियल नर्व्स, कार्नियल नर्व्स, इसके कुल मिला के 12 पेयर्स होते हैं, और दूसरा होता है स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स कुल मिलाकर 31 पेयर्स हैं। ये स्पाइनल नर्व कोई भी मैसेज कॉन्वे करता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन को। कार्नियल नर्व्स डायरेक्ट ब्रेन को मैसेज कॉन्वे करता। एएनएस को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक होता है हमारा सिंपैथेटिक, क्या होता है, जो
सिंपथाइज होता है, सहानुभूति से आपको आता है कभी कभी अपने आप, जो ऑटोनॉमिक है इसमें ब्रेन का कब्जा नहीं होता, सिंपैथेटिक। और दूसरा होता है पैरासिंपैथेटिक, हम लोग किसी को देखते हैं आंखों, किसी को दुख में देखा, आंखों में आंसू भर गया, रोना आ गया, फिर वो धीरे धीरे अपने आप वो रोना जो है बंद हो जाता है, आंसू निकलना, आंसू रोकना, इन्हीं ये सब एएनएस में आता है। हम लोग इसके बारे में चर्चा इस वीडियो में नहीं करेंगे, उसके लिए आगे करेंगे। अभी जो कमेंट था हमें उस पे फोकस करना है, यानी कि इसके ऊपर फोकस करना है, हम ब्रेन को लेके आते हैं। अब ये जो ब्रेन है ना, ये तीन भागों में बंटता है। ये ब्रेन आपका तीन पार्ट्स में बटा, सबसे पहला फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन और तीसरा हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जैसा कि नाम है, तो फोर ब्रेन यानी कि फ्रंटल, बिल्कुल सामने। मिड ब्रेन जैसा कि नाम है तो बीच में होगा, सबसे छोटा पार्ट हमारे ब्रेन का मिड ब्रेन है। फोर ब्रेन सबसे बड़ा पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आर ब्रेन, इट कंटेन 55% ये ब्रेन का, फोर ब्रेन ब्रेन का 55% को कवर करता है। और लास्ट है आपका हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अब हम लोग बारी बारी से चर्चा करते हैं। फोर ब्रेन जो हमारा फोर ब्रेन है, सबसे पहले ही जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, सबसे ज्यादा काम है फोर ब्रेन में, हम लोग जितना भी रिसीविंग हमारा होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमें बाहर से मिला, ऑल इंफॉर्मेशन वी आर रिसीव बाय फोर ब्रेन, और एवरी कैरिंग इंपल्सेस, जो इंपल्सेस हमारा कैरी होके आता है, लेके आता है इंफॉर्मेशन, सब फोर ब्रेन में जाता। ये इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर या मैनेज फोर ब्रेन ही करता है, ये फ्रंटल पूरा चारों तरफ से ऊपर वाला। इसके बाद आपका ये केयरलेसनेस या स्टिमुल जो भी हमारा बाहर से मिला, उन सबको कैरिंग यही करता। हम लोग इसके लॉग में भी बात घूमेंगे और देखते हैं कि कौन से लॉब क्या क्या करता है फोर ब्रेन में। फोर ब्रेन का नेक्स्ट आपका आता है बेटा, कि जितने भी आप मेमोराइज होते हो, स्टोर जो होता है इंफॉर्मेशन का, उसी को हम लोग याददाश्त कहते हैं ना। हाउ मच इंफॉर्मेशन यू हैव स्टोर, ये सब सारा काम इसी फोर ब्रेन का है। तो सबसे पहले हम लोग फोर ब्रेन के बारे में बात करें। फोर ब्रेन या इन सब का तो काम कम है। फोर ब्रेन में आपका, चलो हम लोग बात कर लेते हैं फोर ब्रेन का। फोर ब्रेन जो है ना, वो पहले हमारा दो भागों में बंटता है। फोर ब्रेन को हम लोग सेरिब्रम और ऑल्फैक्टरी लॉब्स, पहले दो भागों में बंटता है फोर ब्रेन को, हमने दो भागों में बांटा। मिड ब्रेन के बाद में करते हैं चर्चा। फोर ब्रेन में सबसे पहले हमारा जो सबसे मैक्सिमम काम करने वाला है, वो कौन सा है? सेरिब्रम, ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है सेरिब्रम। और दूसरा ओल्फैक्टरी, ये ओल्फैक्टरी जैसा कि नाम है, जैसा उस वैसा ही उसका काम है, हम इसको लॉब्स, ये ओल्फैक्टरी लॉब्स। ओल्फैक्टरी लॉब्स जो है ना, इसका काम केबल और केबल स्मेल डिटेक्ट करना है।
यानी कि नाक से जो भी आप काम लेते हो सारा का सारा इसी लॉब में हमारे ब्रेन के पोर्शन में आता है. ओल्फैक्टरी लॉब्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग द स्मेल. ओल्फैक्टरी लॉब हमारे सूंघने की जो ताकत है ना उसको डिटेक्ट करता है. अब आ जाइए सेरिब्रम भी बहुत सारे इसके लॉब्स हैं. आ जाओ सेरिब्रम को मैं यहां लिख ओहो यहां पर तो चलो मैं ऐसा करता हूं सेरिब्रम को रोक के पहले इन तीनों का बता देता हूं फिर हमें ऊपर से साफ करना होगा. सेरिब्रम के कुल मिला के अलग अलग चार मैक्सिमम इसके लॉब्स हैं जो काम करता है अलग अलग. तो पहले हम लोग मिड ब्रेन की बात कर लेते हैं फिर हम आते हैं इसमें. मिड ब्रेन का काम एक्चुअली ये मिड ब्रेन जो है ना वो रिले सेंटर है. इसका मेन काम क्या हुआ सबसे पहले तो विजन में ये मैक्सिमम सहयोग देता है. विजन जितना भी हमारा मोटर नर्व का काम है उसका कंट्रोलिंग पावर यही है क्योंकि यही से रिले सेंटर है. मोटर इंस्ट्रक्शन जो देता है मोटर को या मोटर कंट्रोल आप लिख दो मोटर कंट्रोल मिड ब्रेन का काम है. टेम्परेचर जो हमारे बॉडी में रेगुलेट होता आपने देखा होगा कभी आपको सर्द लगती है गर्म लगती है तो टेम्परेचर रेगुलेशन मिड ब्रेन का काम है. और सबसे महत्वपूर्ण हम सोते हैं जागते हैं ये जो हमारा सोने और जागने का सर्कुलेशन है ये भी कंट्रोल करता है मिड ब्रेन. मिड ब्रेन के काम को हिंड ब्रेन का एक पार्ट पोन वो भी मदद करता है हम उसकी भी चर्चा करेंगे. यहां पर स्लीप वेक सोना और जागना वेकिंग और स्लीपिंग इस साइकिल को भी मिड ब्रेन कंट्रोल करता है. ये मिड ब्रेन का काम हुआ ये काम मिड ब्रेन का हुआ. अब आइए हम लोग बात करते हैं ऑल्फैक्टरी का काम मैंने पहले ही बता दिया. ऑल्फैक्टरी का काम स्मेल को डिटेक्ट करना है. नेक्स्ट काम आते हैं हिंड ब्रेन. हिंड ब्रेन तीन भागों में बंटता है सेरिबेलम जो सेकेंड लार्जेस्ट ब्रेन का पार्ट है पोन्स और मेडुला. सेरिबेलम ये हमारा सेरिबेलम जो है वो किसका पार्ट है हिंड ब्रेन का. फिर पोन और मेडुला ये तीन भागों में बट गया जी. मेडुला ऑब्लोंगेटा सेरिबेलम जितने भी हमारे वोलेंट्री एक्शंस हैं वोलेंट्री एक्शंस इसको कंट्रोल करता है. वोलेंट्री एक्शन क्या हुआ आपका बैठने का तरीका पोस्चर मतलब जिसको आप जो चाहते हो जैसे हाथ घुमाना चलना फिरना वॉकिंग ये सब हमारा वोलेंट्री एक्शंस है और ये कंट्रोलिंग पावर सेरिबेलम में है सेकेंड लार्जेस्ट. आप बैठे हो कभी पैर लंबा करके बैठना होता कभी हाथ इधर करके बैठना होता सोफा पे बैठते हो हाथ ऐसे यूं फैला देते हो ये सब जो पोस्चर है हमारे बॉडी का बस में बैठते हो कार में बैठते हो तो आपको बैठने का तरीका स्कूल में जब आप टीचर पढ़ा रहे हैं उसके सामने बैठने का तरीका सब अलग अलग है और वो कंट्रोल आपका वॉलेंट्री एक्शन में यही करता चलना फिरना रनिंग वॉकिंग सब. नेक्स्ट पोन ये
मेन काम तो इसका ब्रीथिंग को कंट्रोल करना है, ब्रीथिंग जो होता है सांस लेते हैं छोड़ते हैं, ये काम इसका है पोन का। पोन हमें ये जो सोने और जागने का जो सर्कल है इसको भी मदद करता है, स्लीपिंग अवेक साइकिल को भी कंट्रोल करता है, ये मदद करता है इसको स्लीपिंग और लिख दो इसको ये भी काम कर लेता है, तो स्लीप अवेक साइकिल, इसमें पोन की मदद है। अब आ जाइए मेडुला, मेडुला भाई साहब का बहुत ज्यादा काम है। मेडुला जितने भी हमारा इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं वो मेडुला कंडक्ट करता है। मेडुला ठीक ब्रेन के सबसे लोअर पोर्शन में होता है, स्पाइनल कॉर्ड के ठीक ऊपर। सेरिबेलम जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, आइए मेडुला क्या करता है बेटा, आपका हार्ट बीट, हार्ट बीट्स आपके दिल के जो धड़कने हैं, हार्ट बीट इसको कंट्रोल मेडुला करता। आपको छींक आती है, आपको आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल यही करता। इवन रेट ऑफ ब्रीथिंग मेडुला ही कंट्रोल करता है, ये ब्रीथिंग को भी ब्रीथिंग में भी इसका कंट्रोल होता, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, ये सारा का सारा इनवॉलेंट्री एक्शंस मेडुला कंट्रोल करता है। मेडुला का काम इनवॉलेंट्री एक्शंस जितने भी हैं हमारे बॉडी में वो काम मेडुला करता। अब आइए हम लोग ब्रेन के जो मेन ब्रेन हमारा सेरिब्रम है, इस सेरिब्रम को हम अलग अलग करके उसके अलग अलग लॉब में पढ़ते हैं। इसके लिए हमें इसको साफ करना होगा, तो आप ये नोट डाउन कर लें। आइए आगे बढ़ते हैं। सेरिब्रम और केबल अभी हम लोग अब इस सेरिब्रम के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए सबसे बड़ा काम तो इसी का है, मेन काम है सेरिब्रम का। सेरिब्रम जो मेन ब्रेन का 55% काम करने वाला सेरिब्रम, इसके अलग अलग तो हम लोग बनाते हैं लॉब के अकॉर्डिंग। सबसे पहला लॉब, या इसको यहां लिखें एक एक दो करके बताएं तो और अच्छा रहेगा। चलो कोई बात नहीं, टेबल फॉर्म में सबसे पहला लॉब जिसको हम ओसिपिटल लॉब कहते हैं, क्या कहते हैं, ओसिपिटल लॉब। ये जो ओसिपिटल लॉब है ये हमें बहुत आपको जो इंटर हमारे बॉडी के अंदर जो होता है इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशंस, खास करके जो हम आई से देखते हैं, इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन विच इज वी गैदर्ड बाय आवर आईज, व्यू को देखने के बाद हम जो आईज को से देखते हैं उसको कंट्रोल और उसको
इंटरप्ट करना, ये काम हमारा इस लॉब का है। क्या काम है इसका? इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन बाय आई, हमारे आंख से, हम दोनों आंख से, अच्छा आई दोनों आंख से, ये काम हमारे ओसीपिटल लॉब का है। ओसीपिटल लॉब के बाद हमारा दूसरा लॉब आता है जिसको हम टेम्पोरल लॉब कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्पोरल लॉब। टेम्पोरल लॉब्स, ये टेम्पोरल लॉब हमें बहुत मदद करता, हमें क्या बोलना है, इसका इफेक्ट क्या होगा, जो हमने विजुअली देखा उसका प्रभाव क्या है, ये हमारे अंदर इमोशंस उसको देखता है, ये इमोशन को भी यही कंट्रोल करता, लैंग्वेज यही कंट्रोल करता। तो इसका काम क्या हो गया? सबसे पहले आपको इमोशनली जो आप किसी से जुड़ जाते हैं, संवेदना जिसको हम कहते हैं, इमोशन से जुड़ा, लैंग्वेज आप जो भी बोलेंगे या जो भी आप सुनेंगे उसका जो प्रतिक्रिया हुआ वही लैंग्वेज है। लैंग्वेज के बाद मतलब इफेक्ट ऑफ विजुअल जो हमने देखा है, हमारी जो विजुअलिटी होती है, जैसे आप कोई, मैं ऐसे बोलूं, मेरी आवाज हो, आप ये सब लिखते हुए ना देखें वो, और देखते हुए सुने वो, तो विजुअल इफेक्ट होता है। हम जिसको सामने आमने सामने बैठ करते विजुअल पेरिसिपेशन ये जो विजुअली इफेक्ट, ये हमारा इस लॉब का काम है। थर्ड लॉब आता है बेटा जिसका सबसे ज्यादा काम है, वो है आपका फ्रंटल लॉब। फ्रंटल लॉब्स, फ्रंट का जो सबसे ज्यादा फ्रंटल लॉब्स है, ये हमारा जितना भी हमारा वॉलेंट्री एक्शन होता है जो सेरिबेलम ने किया था, चलना फिरना पोस्चर ये सब सारा का मॉनिटरिंग यहीं से होता है। सेरिबेलम भी कोई भी काम करेगा तो यहीं से मॉनिटरिंग होके, वॉलेंट्री मूवमेंट ये हो गया वॉलेंट्री मूवमेंट। इसके बाद आप अपने आप को जो मॉनिटरी करते हो, कुछ भी करने से पहले हम अपने आप को जो प्रॉपरली तैयार करते हैं, यानी कि सेल्फ मॉनिटर, वो भी यही से होता। सेल्फ मॉनिटरिंग। इसके बाद जो हायर लेवल का एक्जीक्यूटिव फंक्शंस है हमारा, जिसको आप कहते हो कि सोच समझ के विचार के एक प्लानिंग के तरह आप जो अपना प्रोग्रामिंग करते हो, प्लान करते हो, यानी कि यू कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग का काम है वो हमारा यही काम करता, फ्रंटल लॉब्स। यानी सोच विचार कर जो हायर लेवल एक्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं वो भी यहीं से कंट्रोल होता, हायर लेवल एग्जीक्यूटिव फंक्शंस।
ये भी हमारा यही से कंट्रोल होता, यानी इस लोभ से आपने कोई भी काम विचार विमर्श ये सब जो सोच समझ के हम लोग कुछ भी करते हैं वो यही से कंट्रोल होता है। नेक्स्ट आता है आपका पैरिएटल लॉ, लास्ट ये जो पैरिएटल लॉब्स, एन दिखता है पैरिएटल लॉब्स, इसका काम जितने भी हमारा जो मेडुला ने किया इनवॉलेंट्री एक्शंस उनको मदद तो करता ही करता है, ये हमें बहुत आपका जो रिकॉग्नाइज करते हो स्वाद का, सुनने का, देखने का, देख के जो प्रभावित हो जाते हैं इफेक्ट हो जाता है आपको, या किसी को टच करने के बाद महसूस हो जाता, ये सारा का सारा इसी लॉब के थ्रू होता। इसका काम क्या हो गया, स्वाद लेना, टेस्ट, इसके बाद साइट दिखाई देना, हियरिंग, सुन के, ये इन सब को टेस्ट से जो आपका रिएक्शन होता है इफेक्ट जो होंगे वो इसी के थ्रू होता है। टेस्ट आपने को स्वाद लगा, अरे खट्टा, बहुत खट्टा चीज लगते हो जाता है ना मुंह में आते ही, वो ये करवाता है हमसे, हम लोग खुद थोड़ी करते हैं, ये लॉब है रिस्पॉन्सिबल। खट्टा लिया, जीभ पे आया नहीं, खटाई का स्वाद पहुंचा नहीं, मारा चटकड़ा, यही करता है। या देख के कोई चीज, गंदा चीज आपने देख लिया मुंह बन जाता है आपका, या कोई बहुत बढ़िया देख लिया खिल जाता है चेहरा, वो ये इफेक्ट इसी के कारण होता है साइड से। या कुछ आपने सुना आपके फेवरेबल चीज कोई कान में आ गई बातें, उसका इफेक्ट चेहरे पे खुशी, या आपने किसी को टच किया और टच करने का जो इफेक्ट है वो भी इसी लॉब के द्वारा कंट्रोल होता है। साथ में इंटीग्रेशन मूवमेंट, ये इंटीग्रेशनल मूवमेंट जितने भी हैं ये सारा का सारा इसी लॉब द्वारा कंट्रोल होता। ये हमारा ब्रेन का काम है। अब देखिए हमारे डेली लाइफ में जितने भी फंक्शंस था, जो भी हमारे डेली लाइफ में हम लोग परफॉर्म करते हैं वो सारा का सारा इसमें इंक्लूड हो गया, यानी एवरी ईच एंड एवरीथिंग इज कंट्रोल कोऑर्डिनेट बाय आवर ब्रेन। ये तो हमने ब्रेन के केबल और केबल सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पढ़ा है। अगले टॉपिक में, अगले जब हम लाएंगे वीडियो, उस वीडियो में आपको पेरिफेरल, ऑटोनोमिक और नर्व सेल कैसे काम करता है, हम उसको भी ऐसे ही चार्ट, फ्लो चार्ट की तरह कोशिश करेंगे कि आपके आगे परोसे। आपको इसे अच्छा लगा हुआ हो तो अंगूठा ऊपर कीजिएगा, लाइक, और जो पहली बार देख रहे हैं या आपने देख लिया आपके यार दोस्त भाई बंधु रिलेटिव्स, उनको भी चाहते हैं कि वो भी आपके क्लास में है और आप चाहते हैं कि उनको भी मिल जाए, उसको भी कुछ ज्यादा मिल जाए, तो चलो उसको भी भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए। अब आपके लिए ऐसे ही मेन मेन पॉइंट सब निकाल निकाल के देता रहूंगा, इससे आप लोग प्रभावित होंगे, लाभ उठाएंगे, फायदा उठाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में,
PNS ANS इनके साथ। बाय।